हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ पर चर्चा करूंगा। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, ये है nseindia.com जिस पर कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड का प्राइस 2.05 रुपया है। प्रीवियस क्लोजिंग 2.05 रुपया, ओपन 2.05 रुपया, हाई लगाया 2.15 रुपया का, लो भी 2.05 रुपया का और क्लोजिंग 2.10 रुपये पे। ट्रेडेड वैल्यूम शेयर में तो 15,09,579 और लाख में अगर देखते हैं तो 31,55,000 का। अभी भी इसमें एक्चुअली सेल क्वांटिटी लगा हुआ है 2.10 रुपये पे 25,022 का। इस शेयर का लिस्टिंग डेट है 4 अगस्त 2011। एडजस्टेड पी 22.04 का है। इसमें डिलीवरी पोजीशन 30 अक्टूबर 2023, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 15,09,579 का और डिलीवरी क्वांटिटी 9,66,357 का। परसेंटेज रहा 64.02%। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा bseindia.com यानी कि BSE पर देखते हैं कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड का प्राइस क्या है। तो यहाँ पर बता रहा है 2.09 रुपये। इसमें जैसा कि एक न्यूज भी है 25/10/2023 का, जो कि सबसे लास्ट का न्यूज है, बोर्ड मीटिंग से संबंधित है। इसमें डिलीवरी पोजीशन इस प्रकार है, क्वांटिटी ट्रेड हुआ 6,61,117 और डिलीवरी में उठाया गया 3,92,350। परसेंटेज रहा 59.35%। इसमें जो न्यूज है, तो जैसा कि स्क्रिप्ट नेम इन्वेंचर और कोड है 5,33,506, सब्जेक्ट है इंटीमेशन फॉर बोर्ड मीटिंग परसुआन टू द रेगुलेशन 29 ऑफ द सेबी लिजनिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। तो इसमें यही है न्यूज वेडनेसडे 1/11/2023 को इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है। किससे संबंधित, तो 30 सितंबर 2023 को जो क्वार्टर का एंड हुआ है क्वार्टर टू का, तो उसी से संबंधित रिजल्ट जारी करने के लिए मीटिंग होगा। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग, फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। तो इसका कामकाज समझ में आ गया होगा, इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो जैसा कि इसका मार्केट कैप 176 करोड़ का है आज के करंट प्राइस के हिसाब से, करंट प्राइस है 2 रुपया 10 पैसा, 52 वीक का हाई लो है 3 रुपया 25 पैसा और 1 रुपया 45 पैसा। स्टॉक पी 22.6 का है, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। बुक वैल्यू 2 रुपया 49 पैसा, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। ROCE 6.13% का है और ROE 4.54% का है। फेस वैल्यू 1 रुपया का है। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स में तो 9.24% का और 3 ईयर्स में तो 7.30% का। ROE 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 6.11%। रिटर्न ओवर 1 ईयर का अगर देखते हैं तो माइनस में है 23.6% का। ROE 5 ईयर का अगर देखते हैं तो 3.27% का है। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स का तो 15.3%। PG रेशियो 1.48 है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का तो 17.7% का है। सेल्स ग्रोथ उस तरीके का बेटर नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है मेरे आइडिया अनुसार। एक आवश्यक सूचना, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू है 76.7 करोड़ का। प्राइस टू सेल्स है 3.08। जैसा कि ये 1 ईयर का चार्ट है, तो 1 ईयर का चार्ट में यहाँ तो 14 नवंबर 2022 को 3 रुपये पर था, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन हुआ है। 28 मार्च 2023 को 1.5 रुपये पर गया, यानी कि 1.50 रुपये पे, फिर धीरे धीरे अप होना स्टार्ट किया, कुछ समय कंसोलिडेट किया, फिर अप लगाया 2.20 रुपये का, फिर से डाउन हुआ और लो 1.85 रुपये पे आया, फिर से ऊपर की तरफ अब ट्रेंड पकड़ा, 2.70 रुपये तक गया, फिर से ये नीचे में आ करके ये 2.05 रुपये के लेवल को टच किया और आज के डेट में 2.10 रुपये पर है। तो अभी ऊपर ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी है 1 तारीख को, ये आने वाला 1 तारीख को। इसमें प्रोज है 3, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.84 times इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.84 times पर ट्रेड कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 42.7 टू 27.8 डेज, यानी कि डेब्टर डेज 42.7 दिन से बढ़ करके 27.8 दिन हो गया है, ये भी अच्छी बात है। और इसमें कॉन्स भी है। कॉन्स है कि थॉ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को रिपीट कर रही है, और इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 26.4%, प्रमोटर होल्डिंग जो है 26.4% है, कम से कम किसी भी कंपनी में होना चाहिए 51%।
कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.11% ओवर लास्ट थ्री ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE है 6.11%। तो इस प्रकार आप रोज तीन और कौन से तीन पीयर कंपैरिजन देखते हैं। तो इस तरीके का एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, IIFL सिक्योरिटीज, जियोजीत फाइनेंस, 5 पैसा कैपिटल, मोनार्च नेटवर्क, इस तरीके का 17 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जून 2023 का, जैसा कि सेल्स बहुत अच्छा है 16.70 करोड़ का, और एक्सपेंस है 15.31 करोड़ का, सभी करोड़ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.39, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.32% का, अदर इनकम 0.66 यानी कि 66 लाख का है, और इंटरेस्ट है 41 लाख का पेड किया, और डिप्रिसिएशन 18 लाख का है, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,46,00,000 का, 50% टैक्स पेड किया, नेट प्रॉफिट 73 लाख, अर्निंग पर शेयर 1 पैसा। तो उतना बेटर रिजल्ट नहीं रहा लेकिन पॉजिटिव रहा। बस लास्ट 12 मंथ का जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो सेल्स 57,36,00,000 का, एक्सपेंस 46,14,00,000 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,22,00,000 का, और अदर इनकम भी है जो कि 2,31,00,000 का है। सब काट छाट कर गए, नेट प्रॉफिट इसका लास्ट 12 मंथ का 7,80,00,000 का है, और अर्निंग पर शेयर 10 पैसा है। बैलेंस शीट देखते हैं तो मार्च 2023 के अनुसार इसका शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है, रिजर्व है 124,76,00,000 का, ब्रोइंग 32,48,00,000 का, अदर लाइबिलिटीज 36,02,00,000 का। तो ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी माना जाएगा, और इसके पास में फिक्स एसेट जो है 13,12,00,000 का, इन्वेस्टमेंट 1,48,00,000 का, तो पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा सा घटा है, लेकिन टोटल एसेट में ज़्यादा नहीं बढ़ा, लगभग 3 करोड़ का बढ़ोतरी हुई, 277,26,00,000 का इसका टोटल एसेट है। कैश फ्लो प्लस में है, नेट कैश फ्लो मार्च 2023 का जो कि 66,00,000 का है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है सितंबर 2023 के अनुसार, 26.40% का प्रमोटर के पास में है, और बाकी बात यानी कि ज़्यादा है पब्लिक के पास में है जो कि 73.60% का है। यही अगर यहाँ पे पलटा हुआ रहता यानी कि प्रमोटर के पास में जो शेयर है वो पब्लिक के पास में होता है, और पब्लिक के पास में जो है वो प्रमोटर के पास में होता, तो काफ़ी बेस्ट स्टॉक माना जाता मेरे आइडिया अनुसार। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2,27,969, यानी कि इतने आदमियों के पास में इसका शेयर है। और यहाँ पर भी वही न्यूज है जो कि बोर्ड मीटिंग है 1/11/2023 को, उसी से संबंधित है। इसका मैक्सिमम अगर चार्ट देखते हैं तो इस स्क्रीनर के वेबसाइट में बताए हुए हैं 7.35 रुपया 30 मार्च 2012 को, उसके बाद में थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा अप हुआ, और फिर से डाउन होकर के ये चलने लगा, पैसा में भी गया।
मैक्सिमम चार्ट के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये 1.80 रुपया और 2.5 रुपया के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन रिजल्ट के कारण हो सकता है कि ये 3 के लेवल को भी टच करें। लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों।